साला भैया खाली भागा फोटो कहाँ गया बे? बिल्लू बिल्लू एक आम है साला वही ठरकी है एक बार। धीरू बंचे क्या बोलती पब्लिक। हाँ तो भैया तुम सबको पता होगा ट्विटर पे जो बकैती चल रही है, क्या कहता है रिहाना मिया खलीफा और तीसरा क्या था, तीसरी कौन थी, ग्रेटा थनबर्ग। वही 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 स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने के ऊपर मैं जो एक्टिविस्ट बने फिर रहा है वही बालक। हाँ तो भैया तुम सबको पता ही होगा पिछले काफी महीनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई पॉलिटिक्स से दूर रहता है, लेकिन ये कहना चाहते भाई जो भी चल रहा है जल्दी ठीक हो जाना चाहिए और जय जवान जय किसान। लेकिन दर्शकों ये वीडियो मियां खलीफा के बारे में जरूर होने वाला है, रिहाना की भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, अब वो बालक की बात नहीं करेंगे, वो हाउ डेयर यू वाली ना ना ना। हाउ डेयर यू, बस एक बात दिल से कहना चाहता हूँ मैं, मीडिया मादर चोद है बस। ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं मिया जी का ट्वीट क्या था जी। What is this human right violation is going on? They cut internet around New Delhi. Hashtag farmer protest. जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट का खास जिक्र किया गया है, तुम देख सकते हो यहाँ साफ साफ लिखा है दे कट इंटरनेट अराउंड न्यू दिल्ली। मिया का इसमें ये सवाल है कि क्यों काटा सालो तुमने इंटरनेट, मुझे हिचकिया इतनी आ रही है, मैं हिचकिया ले लेके परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे हिचकियों से इंटरनेट का क्या लेना देना, किसी को हिचकिया कब आती है, जब उसको कोई याद करता है, और जब याद करना बंद कर देता है तो हिचकिया चली जाती है। तो भैया सीधी सी बात ये है कि दिल्ली के लौंडों की ठरक मियां की हिचकियां नहीं रोकने दे रही है, इसीलिए मियां कह रही है इंटरनेट चलाओ इंटरनेट चलाओ, बाकी सब बातें बाद में, पहले इंटरनेट चलाओ। ये है इस ट्वीट के पीछे की साइंस। सब्सक्राइब करके जाना, सब बेल आइकन दबाना। कोई बहन कड़ा कमेंट में ये नहीं बोलेगा ये गांडू उल्टी सीधी इनलॉजिकल बातें कर रहा है, एक एक बात लॉजिकल है मेरी, एक एक बात लॉजिकल। हाँ तो जरा अभी ना न्यूज चैनल की बकचोदी देख लेते हैं, ये सब होने के बाद जो न्यूज चैनल ने फैलाई है। तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले, बड़े वाले भक्त रियाना की किसानी के, इतने बड़े फैन है, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। मियां खलीफा के भी भक्त हैं। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सांझ में मंगनी ले गया सॉरी डार्लिंग। तुम तो बड़े हैवी चचा निकले भाई, हो सड़ी के बेटे। लेकिन यार ये बहुत गलत बात है, रिहाना का उन्होंने लाइव शो का वो लगा दिया वीडियो, मियां खलीफा का भी तो कुछ लगा, हो सड़ी के बेटे। उस बेचारी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? आप मुझे रिहाना की किसानी के भक्त लग रहे हैं। देखो वैसे क्या कहते हैं रिहाना का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर मियां खलीफा खेती करने पे आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां उगाएगी। लंबी लंबी ये क्या मियां खलीफा कोई है ये सार, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी छुट्टी बिताने कहाँ जाते हैं, ये जो विदेश में जाते हैं बार बार भागते रहते हैं, क्या करते हैं वहां जाके, ये इन्हीं लोगों से मिलते हैं, ये मियां खलीफा ये रिहाना। झूठ, एकदम झूठ, सब झूठ, एकदम झूठ। मैं हर बात पे यकीन कर लूंगा लेकिन इस बात पे यकीन नहीं करूंगा, झूठ। हैं जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करने वाले बंदे को तुम पॉप स्टार और पॉर्न स्टार के बीच में घुसा रहे हो, हैं? ऐसे कैसे, मतलब यार सब ठीक है लेकिन इस मासूम चेहरे को देखो तुम एक बार, देखो नहीं तुम्हें लग रहा है कहीं से भी इन्हें देख के कि हम मियां खलीफा के साथ छुट्टियां बिताते होंगे? ना भाई मेरा दिल इस झूठ को मानने तैयार नहीं होगा, ना कुछ भी कह लो मेरा दिल ये झूठ मानने तैयार नहीं होगा। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? देखो हंसी मजाक सब एक तरफ, लेकिन न्यूज चैनल में सारी बातें नहीं होनी चाहिए पैंचो, मतलब इतना भी लेवल मत गिराओ अपना यार। सही है तुम्हारा एंकर कहीं भी जाके गाली खा के आ जाता वो ठीक है, मेरे को तो डिबेट का सिस्टम ही समझ नहीं आता बहनचो, अमेरिका का दलाल शुरू हो जाता है इसमें। बोगले दलाल, अमेरिका का दलाल बहनचो।
वैसे मीम टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, देखो ये कहना पड़ेगा, तो न्यूज चैनल से इसको मीम चैनल बना देता है ना, तो ज्यादा बेस्ट होगा। अच्छा जान देते हैं भाई, ये सब बातें नहीं करता, हो गया बहुत हो गया। और क्या हुआ इस हफ्ते, और क्या हुआ है? फौजी गेम आया भाई, गेम बहुत सही, इंडिया का अपना गेम फौजी। उठे सूच रखे मेरे, खेल खेल के इतना बुरा गेम है भैया। गेम आया मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से डाउनलोड करा एकदम की मजा आ जाएगा, पबजी बैन हुआ तो कोई बात नहीं, फौजी खेलेंगे अपना। लेकिन मेरे अरमानों में जो है ना भाई, कुत्ता मूत के चला गया। भैंचो तुम जरा सोचो, जो लौंडा पबजी में 1v1 नहीं कर पाता था, उससे 1v10 करवा रहे हैं। 10-10 लौंडे भेज दिए सामने गंडासर कुल्हाड़ी लेके। भैंचो नए अपडेट में एक चीज चाहिए बस हमें, जो हमारे सोडी साहब है उसके अंदर, उनके लिए सोडे की बोतल, हर 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 जगह हर दो बंदे मारने के बाद सोडे की बोतल मिलनी चाहिए, तब जाके गेम अच्छा बनेगा। वो साले बंदे आए जा रहे सुपरमैन थोड़ी हूं मैं, जो सबको मार दूंगा, खेलना ही नहीं मुझे। तो अभी हम फार्मर्स की ठग लाइफ पर रिएक्ट करने वाले हैं, और ना मैं इधर की साइड से हूँ ना मैं इधर की साइड से हूँ, हम कॉमेडी की साइड से भी देख रहे हैं। तो सब कुछ बोल के जिस जोक पे हंसी आएगी उस पे हंस देंगे, या हमें माफ करना अगर हम कुछ गलत जगह हंस दे तो मैं हंस दूंगा। बहन चो में मेरी गाड़ तो फट रही है प्ले करने में, लेकिन गाड़ में चुल भी है थोड़ी सी कि देखते हैं मजा आएगा। अरे जो कह रहा ना फंडिंग की, उन कुत्तों से ये पूछिए कि हमने पूछी के तेरे चुनाव में फंडिंग कहाँ से आवे। ओके ओके, किसान आदमी गाजर मारे, गोभी मारे, आलू मारे मतलब हमारी सब चीज तो मारी, बस भयंकर इस बंदे जितना खुश होना अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। क्या चिट्टा लेना होगा? ना सब चीज तो हमारी, तो खावेंगे हम, ये तो रामदेव का मूर्ति पीवेंगे। तो अंकल जी ये कह रहे हैं कि देखो हम किसान आदमी है, गाजर हमारी है, मूली हमारी है, सब हमारा है, हम उसे खाएंगे। क्या कहते हैं जो फार्मर की नहीं सुन रहा है, वो सब वो रामदेव का मूत पिएंगे। भैया मूत निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। एक बात तो बता दे, गाय तो मारे है और मूत बेच रहा 90 रुपए लीटर, वो उसका गाय का मूत 90 रुपए लीटर और उसी गाय का दूध हमारा 30 रुपए लीटर, तो सब यही तो हम पूछना है। ओके ओके, नाइस नाइस पॉइंट, अच्छा है चाचा का, चाचा जितना सोच सकता है। लेकिन क्या कहते हैं वो गाय का मूत अपना ब्रांडिंग करके पूरा और रिफाइन करके बेच रहा है, तो मतलब ठीक है। हाँ चलो समझ गए तुम जो कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, ठीक है। हाँ लॉजिकल पॉइंट बोला बस मैंने, एक बाकी चाचा है इनसे एक नंबर है। ये तो रामदेव का मूर्ति पीवेंगे। मोदी जी कहते झोला उठा के हम चल देंगे, फकीर है तो देश को दिया ही क्या, झोले में लेकर जाएगा। मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ, बस बैचो इससे आगे नहीं, आगे कुछ नहीं। ओके ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ, इधर ही मेरी गाड़ फट रही है अब। अबे ये क्यों पहन के बैठा हूँ मैं, गाइस ये एक कोइंसिडेंट है, बस एक कोइंसिडेंट है। ओके ठीक है, सो गाइस चलो ठीक है वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। और क्या कह रहा था मैं, मतलब यही उम्मीद करेंगे भाई जो भी हो रहा है जल्दी सही हो जाए यार, इफेक्ट तो अपने देश में पड़ रहा है, नुकसान अपना ही हो रहा है, तो सही होना चाहिए सब कुछ जल्दी से। और क्या कह रहा था मैं, बस वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, नया वीडियो जल्दी आएगा, शायद 2 या 3 दिन में 2 दिन में आ जाएगा वीडियो, एकदम रेडी है ऑलमोस्ट, बस जल्दी आ जाएगा ठीक है। एकदम खतरनाक तरीके से 2-2 दिन बाद वीडियो आएंगे ठीक है, तुम बस देखना आते रहना ठीक, बाय। इस ट्वीट में मियां खलीफा अपना दर्द दिखलाना चाह रही है। भोसड़ी के दिल वाला दर्द, मन वाला दर्द, साउंड चेंज कर की मादर। बाकी भाई जो रिहाना के ट्वीट में बहुत ताकत है भाई, रिहाना ने कही बाय वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, सबने बात करनी शुरू कर दी, बहुत सही, मैं भी ट्वीट करा लेता हूँ सब्सक्राइब टू धीरू मान चेक करके। चुप जा मादर चोद।